नमस्कार दोस्तों, टॉक फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की तरफ से होने वाले 10 बेनिफिट्स, 10 फायदों के बारे में। दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको ये 10 फायदे जो कि आपको एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की तरफ से मिलते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला फ़ायदा और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पीएफ का पैसा आपको डबल मिलता है। आपकी बेसिक सैलरी और डीए को मिलाकर जितना पैसा आपका बनता है उसमें से 12% कट के आपका पीएफ जमा होता है, और इतना ही 12% आपकी कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को जमा करना पड़ता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। ईपीएफओ की तरफ से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तरफ से होने वाला दूसरा फ़ायदा सबसे बड़ा, ईडीएलआई मतलब कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंकेड इंश्योरेंस। इसका मतलब जो भी व्यक्ति जब भी पीएफ का खाता खोलता है उस खाते खोलते के समय से ही उसे जो है 6 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। मतलब कि यदि कार्य स्थल पर कार्य करते समय यदि उस व्यक्ति की मृत्यु होती है जिसका ईपीएफओ में खाता है, तो उसे या उसके नॉमिनी मतलब जिसका भी नाम उसने नॉमिनी में दिया है उसे 6 लाख रुपये तक का जो है बेनिफिट मिलता है। इस ईडीएलआई लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक वीडियो में अलग से बनाकर डालने वाला हूँ, तो आप वो भी देख लीजिएगा। इसके अलावा तीसरा फायदा है कि यदि 10 साल तक आपने ईपीएफओ का अकाउंट मैनेज किया है, मतलब 10 साल तक आपने कंटिन्यू ईपीएफओ में पैसे कटवाए हैं, पैसे जमा किए हैं, तो ऐसी स्थिति में 9 साल 6 महीने बाद आपके पास ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके पास ईपीएस नाम की एक पेंशन स्कीम लागू हो जाती है। ईपीएस पेंशन स्कीम क्या है इसके ऊपर भी जो है एक वीडियो बनाकर जो है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ईपीएस स्कीम के तहत आपको न्यूनतम 1000 रुपये प्रति महीना पेंशन के तौर पर मिलते हैं जब आप रिटायर हो जाते हैं। इसके अलावा ईपीएस में न्यूनतम 1000 रुपये ये होता है जब आपकी बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर आपकी सैलरी 6500 रुपये है। यदि आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है और आपका डीए और बेसिक सैलरी मिलाकर इससे ज़्यादा हो रहा है, 10000 15000 हो रहा है, तो इधर आपका जो ईपीएस का पेंशन है ये भी जो है बढ़ता जाता है, ये भी आपका 1000 2000 3000 तक हो सकता है। ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चौथुएन मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो है पिछले साल से ही लागू किया गया है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की तरफ से ये फ़ायदा होता है कि आपने 3 साल या 4 साल किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में किया काम, 3-4 या साल आपने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, वहाँ से आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने चले गए, आपके पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो पीएफ खाता था वहाँ पर आपका जो पैसा जमा है अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप वही खाता नंबर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं, इन दोनों को लिंक कर सकते हैं आपस में और दोनों का पैसा जो है एक साथ एक जगह जमा कर सकते हैं। इससे आपके जो है ईपीएफओ खाता लागू रखने की जारी रखने की जो है अवधि भी बढ़ जाएगी, और यदि ये 10 साल तक हो गया तो आपको ईपीएस की पेंशन स्कीम भी लागू हो जाएगी। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होने वाला छठवा बड़ा फ़ायदा है कि पीएफ की बेसिक सैलरी मतलब आपकी बेसिक सैलरी और डीए के ऊपर जो आपका 12% पीएफ कटता है वहीं 12% जो है कंपनी यहाँ पर आपके तरफ अपनी तरफ से जमा करती है, तो ये पीएफ का डबल हो गया। और इन सब जमा पैसे पर जो है आपको 8.55% ब्याज भी मिलता है। 8.55% कहा जाए तो इस समय में कोई भी बैंक कोई भी प्राइवेट संस्था अभी नहीं दे रही है, ईपीएफओ सबसे ज़्यादा ब्याज इस समय दे रही है। इसके अलावा सातवां फायदा है कि आप जो है अपना कंट्रीब्यूशन पीएफ में बढ़ा सकते हैं, मतलब कि जो कंपनी की तरफ से आपका बेसिक सैलरी और डीए का मिला के 12% कंस्ट्रीब्यूशन आपका कटता है, इस कंस्ट्रीब्यूशन को आप 100% तक बढ़ा सकते हैं। मतलब आप यदि चाहते हैं कि आपकी सैलरी का पीएफ ज़्यादा कटे तो आप उसे 12% से 100% मतलब पूरी बेसिक सैलरी भी आप कटवा सकते हैं। यदि पूरी बेसिक सैलरी आप अपने ईपीएफ को खाते में कटाते हैं तो उस पर भी वही सारी सुविधाएँ मिलेगी, वही पूरा ब्याज मिलेगा, वही पूरी ईपीएस की पेंशन स्कीम लागू होगी, जिससे कि आपको जो है उतने ज़्यादा गुना फायदा होगा जितने ज़्यादा गुना आप जो है अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं। ईपीएफओ की तरफ से आठवां सबसे बड़ा फ़ायदा है टैक्स में छूट, मतलब कि ईपीएफओ की तरफ से होने वाले फ़ायदे में टैक्स की छूट भी एक बड़ा फ़ायदा है। आपके पास
आपने जितने भी साल ईपीएफओ में खाते में पैसे कटवाए, 30 साल, 40 साल या 50 साल भी, तो इसमें आपका जितना भी पैसा जमा हुआ, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, ये पैसा आप जब भी निकालेंगे तो इस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। ये पूरा पैसा जो है टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा इसका 9वां फायदा है आत्मसुरक्षा निर्भरता। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात है कि जब व्यक्ति 55 से 60 साल की उम्र में रिटायर होता है तो उस स्थिति में ये कहना मुश्किल होता है कि उसके साथ उसका परिवार है या नहीं है। यदि उसके साथ ऐसी स्थिति आ जाए कि उसके परिवार उसके साथ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इंसान को एक आत्मनिर्भरता, एक सुरक्षा जो है ईपीएफओ की तरफ से मिलती है, जो कि पेंशन के तौर पर उसे मिलती है, और इस पेंशन के दम पर वह इंसान जो है आत्मनिर्भर होकर जो है दृढ़ता से साथ अपना जीवन व्यापन कर सकता है। इसके अलावा जो है इसका 10वां फायदा है कि पीएफ में जो है आपका ये पड़े खाते पर भी आपको 3 साल तक पीएफ ब्याज देती है। मतलब कि आपने नौकरी छोड़ दी, आपके खाते में पैसे डला हुआ है, तो 3 साल तक इन पैसों पर जो है ईपीएफओ की तरफ से उतना ही ब्याज आपको मिलेगा जितना ब्याज आपको कंटिन्यू मिलते आया है। मतलब वर्तमान समय की यदि बात कहूँ तो 8.55% रुपये आपको यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा यदि आपने कहीं 2 महीने, 4 महीने जॉब किया और आपने वो पैसे नहीं निकाले, आप भूल गए, या आपने सोचा कि यार 2 हज़ार, 2.5 हज़ार रुपये है, क्या निकालूँ, ऐसा करके छोड़ दिए वो पैसे, तो सरकार ने हाल ही में ये भी नियम लागू कर दिया है कि उन पैसों को आपके रिटायरमेंट की उम्र, मतलब कि आपने जब भी खाता खुलाया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, तब से लेकर आपके रिटायरमेंट की उम्र 55 साल 60 साल की होती है, तो रिटायरमेंट की उम्र में उस खाते में जितना ब्याज पैसा था, उस पर जितना ब्याज बना, ये सारे पैसों को मिलाकर जो है आपके अकाउंट में जो है डाल दिए जाते हैं। और यदि आपने अकाउंट जो है लिंकेड नहीं किया हुआ है तो भी आपसे संपर्क करके ये जो है सुविधा दी जा रही है। हाल ही में नवंबर 2017 में कुछ लोगों को जो है मेल या मैसेज करके या किसी तरह से उनसे कांटेक्ट करके यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से ये पैसे दिए गए हैं। समाचार या न्यूज़ एजेंसियों में भी ये बहुत चर्चा में था। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की तरफ से होने वाले 10 बेनिफिट्स, 10 फ़ायदे। उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ायदे आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। इनमें से कुछ फ़ायदों की जानकारी आपको पहले से रही होगी, कुछ की नहीं रही होगी। यदि आपको इनमें से कुछ जानकारी, ईपीएफओ की तरफ से कोई भी जानकारी आपको यदि पूछनी है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी न किसी काम में ज़रूर आएगा। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।